मैं आज चतरा जिला वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी का समय काफी संवेदनशील है। हम सभी एक बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। हम सबों को अभी आत्मसंयम रखने की आवश्यकता है और ये हम लोग कोशिश करें कि किसी भी तरीके का ऐसा पोस्ट, ऐसा मैसेज या ऐसा वीडियो जो उन्माद भड़का सकता है, जो हमारे अंदर के आवेश को भड़का सकता है, और अधिकतर वीडियो जो इस तरीके के हैं वो गलत हैं और तथ्यहीन हैं, इनको आप न स्टेटस पे डालें, न फेसबुक पे डालें, न ही शेयर करें कहीं पे। ये ऐसे भी कानून दृष्टिकोण से अपराध है। और उसके अलावा मैं सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप सभी शांति बनाए रखें। यदि किसी को कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैंने आज भी अपना नंबर और सभी थाना प्रभारियों का नंबर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। आप हमें बताएं, आप लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कोई भी इस तरीके का मैसेज आता है, कुछ भी वीडियो आता है, आप हमें बताएं। पुलिस हर तरीके की कार्रवाई करने के लिए तैयार है, परंतु समाज में शांति बनाए रखिए। इस तरीके के किसी भी एक्शन का की कीमत जो है वो हमारे समाज को न चुकानी पड़े। आइए हम सभी जितने भी चतरा जिलावासी हैं, हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें। चतरा जिला में आज जितने भी नागरिक हैं, हम लोगों को बहुत ही संयम मनाने की जरूरत है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा विभिन्न जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज हैं उसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समाज का माहौल खराब हो रहा है। हम लोगों को लगातार शांति व्यवस्था बनाने के लिए संयम रखने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं समाज में, डिफरेंट समुदाय के, उनको आगे बढ़ के और एक शांति समिति की बैठक करते हुए सभी लोगों को समझाने की, स्पेशली युवाओं को जो तुरंत सड़कों पर निकल जाते हैं, उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और अगर किसी भी तरीके की परेशानी या ऐसा कहीं पर भी सामने आती है आप लोगों को कि आपत्तिजनक पोस्ट, तो उसको जरूर प्रशासन के साथ शेयर करें ताकि हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करके उस पर आगे कर सकें। तो इस वजह से आप लोगों को, सभी को हम लोग अपील करते हैं कि शांति।